हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जो कि हरेशम क्लासेस इग्नो। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस और एग्जामिनेशन सेंटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी नज़दीक हो ताकि वो इजीली पहुंच पाए। जैसे कि आप सबको पता है इग्नू के एग्जामिनेशंस होते हैं और इग्नू अपने सेंटर ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में देता है और इसकी लिस्ट ये जारी करता है ताकि आपको आसानी हो कि आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकें। तो इग्नू में आप एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कैसे कर सकते हैं और कब तक इसका समय होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, इसके बारे में ज़रूर जानिए, बिकॉज बिना आधे अधूरे जानकारी के आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में और हॉल टिकट, जैसे कि हॉल टिकट अभी नहीं आई है, हॉल टिकट आने वाली है। एग्जामिनेशंस के 7 दिन पहले आपका हॉल टिकट रिलीज़ होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 7 days बिफोर द एग्जामिनेशंस तो आपको ये मिल जाएगा। और जी हाँ, वन मोर थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं अपने इग्नू के हॉल टिकट को अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि इग्नू के हॉल टिकट के साथ आपको आईडी कार्ड भी रखना काफ़ी ज़रूरी है। इग्नू के आईडी कार्ड कैसे होती है वो तो आपको पता ही है। अगर आपने ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करा है तो आप ऑफलाइन जाके रिसीव कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करा है तो आपको ऑनलाइन इसके लिए जो आपको मिलेगा हॉल टिकट उसे आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से आप लेमिनेट करा के उसके बाद अपने साथ अपने हॉल टिकट को लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हॉल टिकट के साथ आपके एग्जामिनेशन सेंटर को, तो हमारा फोकस है एग्जामिनेशन सेंटर की चेंजिंग। मुझे कौन सा इग्नू का सेंटर चुनना चाहिए ये भी, मैं अपने इग्नू का परीक्षा केंद्र कैसे बदल सकता हूँ, देश भर में उपलब्ध इग्नू परीक्षा केंद्रों को कैसे जाने, क्या मैं अपना इग्नू परीक्षा केंद्र ऑनलाइन बदल सकता हूँ या फिर ऑफलाइन इसके लिए प्रोसेस होती है, इग्नू एग्जामिनेशन सेंटर बदलने की प्रोसेस क्या है, क्या है प्रक्रिया, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि आपका हॉल टिकट किस तरीके से रिलीज़ होने वाला है। कुछ दिनों से यानी कि कुछ टर्म एंड एग्जामिनेशन से हॉल टिकट कुछ इस तरीके से रिलीज़ होते हैं। इसमें आपको दिया हुआ रहता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस, आपका वेन्यू का एड्रेस दिया रहता है, वहीं पर आपको पहुँचना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एड्रेस है, अब जैसे आपको जब आपका फाइनल एड्रेस मिलता है यानी कि आपको हॉल टिकट में जो एड्रेस दिया जाता है, अगर आपको वो एड्रेस पसंद नहीं है, उसका कोई कारण है, तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? यूं ही आप उठा के नहीं बदल सकते। कहने का मतलब, अगर आपको मन हुआ नहीं आज मैं यहाँ चूज़ करूँगा तो यहाँ मुझे सेंटर मिले, नहीं मुझे वहाँ सेंटर मिले, ऐसा नहीं है। आपको जो लिस्ट दी गई है उसी के बीच से ही आपको सेंटर मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पटना, जैसे कि आप यहाँ पे हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद सेलेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए, जो हैदराबाद में सेंटर अवेलेबल है आपको बस वही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सेंटर अपने मन से चूज़ कर सकते हो। आपने जिसे चूज़ कर लिया ये सेंटर, अब आप चाहते हो कि इसे मुझे बदलना है, इसकी प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से होती है, याद रखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्राइटेरिया सुनने की किस किस कंडीशन में जो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा केंद्र की अनुमति नहीं है, परीक्षा इग्नू में परीक्षा केंद्र के परिवर्तन की अनुमति नहीं है, इसलिए परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अपने सेंटर का जो चयन है यानी सिलेक्शन है आप सही से कीजिए। लास्ट 2 बार के टर्म एंड एग्जामिनेशंस में आपको एग्जामिनेशन सेंटर बदलने का जो है वो मौका दिया गया था। इसका रीज़न बस ये था, कोविड-19 प्रोटोकॉल के वजह से, कोविड-19 के वजह से ही था, यूजली ऐसा नहीं दिया जाता। चूँकि अधिकांश इग्नू शिक्षार्थी सेवाकालीन होते हैं, कर्मचारी होते हैं, नौकरी पेशे होते हैं, कोई अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स कर रहा होता है, कोई कुछ और काम कर रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको कई बार स्थानांतरण यानी कि आपको ट्रांसफ़र कई जगह पे हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के कारण आप सोचते हैं कि मेरा तो अब नज़दीक ये हो रहा है, मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो इस कंडीशन में आप अपने सेंटर को बदलवा सकते हैं। ये एक वैलिड रीज़न हुआ, समझ सकते हैं, इसका वैलिड रीज़न है कि आप कहीं दूर रह रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हुआ है, आप कहीं जॉब करते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको जो है इग्नू जो है आपका सेंटर बदलने की आपको इजाज़त देगा, वो अलाउ करेगा कि आप एप्लीकेशन लिखिए, हम आपको दूसरे सेंटर में आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा केंद्र जो बदला जाता है वो कैसे कैसे बदला जाता है, एक सवाल है कि क्या हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ले सकते हैं या फिर जिस सिटी में जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसी के कहीं कोई ज़िले में हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर
ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो इस टॉपिक पे ये आंसर ज़रूर सुनिए। परीक्षा केंद्र जब भी आप बदलना चाहते हैं ना, संपर्क करने की आवश्यकता होती है आपको क्षेत्र केंद्र के, कहने का मतलब आपको रीजनल सेंटर से कनेक्शन कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसके तहत उसके नए परीक्षा केंद्र आते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी छात्र ने दिल्ली में एग्जामिनेशन सेंटर को चुना है, ठीक है, अब वो त्रिवेंद्रम में अपना पेपर लिखना चाहता है, तो उस स्थिति में छात्र को त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर का दौरा करना होगा या क्षेत्र केंद्र का दौरा करना होगा। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए मजबूर और वैध कारण होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए, दिखाना होगा कि क्यों आप इसके लिए कर रहे हैं। अनुरोध की योग्यता के आधार पर क्षेत्र केंद्र यानी रीजनल सेंटर उस क्षेत्र या परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र की उपलब्धता के अधीन अपना परीक्षा केंद्र बदल सकता है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पे कहा गया कि जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, त्रिवेंद्रम में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको त्रिवेंद्रम के एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होगा, वहाँ से जाकर आपको एप्लीकेशन करनी होगी, उसके बाद ही आपका वहाँ पर चेंज हो सकता है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं, क्वेश्चंस कितने आए हैं, क्योंकि आपको बता दूं इग्नू में जो आंसर कॉपी आती है और जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं वो उतने ही स्टूडेंट के लिए आते हैं जितने स्टूडेंट वहाँ पे है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाता, ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिए। मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको लूज़ पेपर नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा आंसर सीट आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक ही कॉपी आंसर सीट मिलेगी, उसी में आपको आपके सारे आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों आप इन सारे पॉइंट को याद ज़रूर रखिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। तब आप समझ गए कि आपको कौन से रीजनल सेंटर पे जाके एप्लीकेशन करनी है। दूसरी बात है यहाँ पे कि एक ही शहर के भीतर परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति आपको नहीं है। आप सोचो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और फिर दिल्ली के किसी एरिया में आप अपना चेंज कराना चाहते हैं जिले में, तो ऐसा नहीं हो सकता। केंद्र जो बदला जाता है वो कई दूसरे रीजनल सेंटर में, कई अदर स्टेट में अगर आप बदलना चाहें तो जाके आपका सेंटर चेंज हो सकता है। हालांकि अगर इग्नू आपको ऐसा मौका देता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम सो भी बिल्कुल सही। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन का अनुरोध केवल एक बार किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि एक बार अगर ऑनलाइन आपने सिलेक्शन कर लिया तो फिर आप उसे बार बार बदल नहीं सकते। एक चीज़ और यह ध्यान रखिए कि इग्नू में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना ओनली एक रिक्वेस्ट हो सकती है। अब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करें, उसको अनएक्सेप्ट भी करें, रद्द भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पूरी के पूरी इग्नू के रीजनल सेंटर पे डिपेंडेंट है। आपका सिर्फ काम है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सभी वैलिड रीज़न के साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपको बतानी ज़रूरी है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। आई होप सो कि आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। हॉल टिकट आने ही वाले हैं, जल्दी हॉल टिकट रिलीज़ हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी और आपको कन्फ्यूज़न है तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।